नमस्कार, आज हम आपको बता रहे हैं बिहार के सबसे बड़े राशन कार्ड घोटाले के बारे में। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सरकार ने राज्य में 16,37,000 राशन कार्ड रद्द किए हैं। ये कार्ड उन लोगों के नाम पर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन मृत व्यक्तियों के नाम पर हर महीने 5 किलो अनाज लिया जा रहा था। ये घोटाला तब सामने आया जब सरकार ने राज्य में EKYC की प्रक्रिया शुरू की। विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि बिहार के 8,35,00,000 राशन कार्डधारियों में से 95% यानी 8,04,00,000 कार्डधारियों का आधार से सीडिंग हो चुका है। अब तक 5,10,00,000 लोगों का EKYC पूरा हो चुका है और 3,24,00,000 लोगों की प्रक्रिया अभी जारी है। जैसे जैसे EKYC की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे धोखाधड़ी और भी मामले सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 2,77,000 लोग बिहार से बाहर रहकर भी दोनों जगहों से सरकारी अनाज उठा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 1,95,000 लोग दिल्ली से हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि बिहार सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी परिवार सिर्फ एक ही राज्य से राशन उठा सकता है। इस खुलासे के बाद सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन अवैध राशन कार्ड धारियों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि राज्य में कुल 1,97,00,000 परिवार राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, जिसमें से 90% परिवार की मुखिया महिलाएं हैं। अब ये सवाल उठता है कि इस तरह की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कैसे होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। बिहार सरकार ने EKYC के माध्यम से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की है और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आने वाले समय में और भी राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार के राशन कार्ड घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे और भी खुलासे और खबरों के लिए जुड़े रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।